नमस्कार दोस्तों, आपके शहर के एक खूबसूरत डेंटल क्लिनिक जिसका नाम है शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर, उससे मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। मेरी क्लिनिक बनारस और गाजीपुर दोनों जगह स्थित है। आज हम लोग केस डिस्कस करेंगे कि हड्डी में फंसे हुए अक्कलदाड़ के बारे में। हड्डी में फंसा हुआ जो अक्कलदाड़ होता है वह अक्सर 18 से 25 साल की उम्र के बीच में जमना चाहिए, पर न जमने के वजह से कभी कभी वो हड्डी में फंस जाता है। और जब हड्डी में फंस जाता है तो उसके वजह से कुछ न कुछ दिक्कतें होती हैं। पेशेंट को खाने में दिक्कत होती है, मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है। इस केस में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको निकालने के लिए प्रावधान करते हैं। तो निकालने की क्या प्रक्रिया है, कैसे हम निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे आप हड्डी का इलाज तो किसी भी रूप में कर सकते हैं, परंतु ये मेरा पीजो सर्जरी है जिसके माध्यम से आप प्रॉपर तरीके से बोन को एक डिसिप्लिन्ड मैनर में सर्जरी कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन्ड मैनर में सर्जरी करने के लिए ये पीजो सर्जरी का बहुत बड़ा योगदान है। साथ में ये मेरे सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमने यहाँ लगाया हुआ है और इसी से हम पूरा सर्जरी करेंगे। उसमें एनेस्थेशिया भी हमने रखा हुआ है और अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है दांत निकालने का, वो सारे इंस्ट्रूमेंट हमने प्रॉपर तरीके से सजा के रखे हुए हैं। फिर आप ओपीजी देख सकते हैं। ओपीजी के अंदर जो है आप ये देखिए कि आपका जो दांत है वो कितना फंसा हुआ है हड्डी के अंदर, और आगे के दांत में 7th नंबर के दांत में वो प्रेशर दे रहा है, 7th नंबर के दांत को ढकेल रहा है, और ये उम्मीद है कि ये फ्यूचर में कभी भी निकलेगा नहीं बाहर। तो ऐसे दांत को निकालना सबसे अच्छा उपाय है। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को ये ध्यान देना पड़ता है कि नीचे जो केनाल, देखिए ये पतली सी नली जो दिख रही है, ये केनाल के अंदर जो है बहुत करीब है केनाल के। तो हमको ये भी ध्यान देना है कि निकालते समय इतना प्रेशर ना पड़े कि आपका केनाल डैमेज हो जाए। अगर केनाल डैमेज होता है, इंफीरियर नर्व केनाल डैमेज होता है, तो पैरेस्थेशिया होने का डर, मतलब आगे का पूरा हिस्सा सुन रहेगा, इस तरीके का एक डर बना रहता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमको ये दांत को निकालना है। तो ये डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, और उसको कैसे करना है वो हम बताएंगे। 15 नंबर का ब्लेड हम लोग लेते हैं जिसके वजह से हम एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज से होते हुए एक प्रॉपर पेरियोस्टियम को सेपरेट करते हुए एक इंसीजन देते हैं। और देखिए मुंह में दांत कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमको ये दांत को निकालना है। तो सबसे पहले मसूड़े को हम हटाएंगे, तो उसके लिए हम 15 नंबर के ब्लेड से हमने एक प्रॉपर लीनियर इंसीजन दिया पेरियोस्टियम को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद जो है हमारा दांत ये एक्सपोज हो गया। अब आप दांत को भली भांति देख सकते हैं कि आपका दांत कैसे दिख रहा मुंह के अंदर। तो अब जब दिखता है, विजिबिलिटी इज द की फैक्टर टू परफॉर्म एनी सर्जरी। अगर आपको प्रॉपर दिख रहा है तभी आप कर सकते हैं। देखिए ये मेरा पीजो सर्जरी है जो बोन के लिए बहुत डिसिप्लिन्ड होता है इंस्ट्रूमेंट। बोन बहुत सूदनिंग तरीके से कटता है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू कुछ भी नहीं कटता है, मतलब अगर गाल इसके ऊपर आ जाए तो गाल नहीं कटेगा। जबकि पहले जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, ड्रिल मशीन हुआ करती थी जिससे लोग परफॉर्म करते थे, उससे क्या होता था कि आपका गाल भी कट सकता था, मसूड़ा भी कट सकता था, वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा होता था, खून बहुत ज़्यादा आता था। परंतु इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आपका सॉफ्ट टिश्यू को कोई लैसरेशन नहीं होगा, आपका जब भी कटेगा वो बोन ही कटेगा। देखिए कितना सुंदर से हम कट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये। लगाओ जी, दिख रहा क्लियर दिखना चाहिए। लगाओ, मुंह खोलो भाई, दिख रहा है पूरा क्लियर? देखो बोन को दिखा, क्लियर दिख रहा है बेटा? सेक्शन लगाओ जी, ये दांत निकल गया। इसकी 3 जड़ें हैं, देखिए मैं पूरा घुमा के दिखा रहा हूँ आपको, और एक जड़ एकदम टेढ़ी है और छोटी है, बाकी की एक जड़ लंबी है। निकालना थोड़ा मुश्किल था इसको क्योंकि वर्टिकली इम्पैक्टेड था, परंतु निकल गया। हाँ, तो हमारे क्लिनिक में इस तरीके के काम बहुत अच्छे तरीके से होते रहते हैं।
निकालने के बाद आप देखिए सॉकेट कितना क्लियर है, सॉकेट आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसको हम लोग इरीगेट करते हैं, तो बीटाडीन से हमने इसको इरीगेट किया है। ये बोन थोड़ा फ्रैक्चर था लेकिन उसको फिर हमने वहीं पर एडप्ट कर दिया और ये इरीगेट किया हमने असेप्टिक प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद हम 4-0 से इसको सूचर करेंगे। ये सूचर भी बहुत अच्छा मटेरियल है, तो इस तरीके से सूचर दे देने से क्या होता है कि हीलिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है सॉफ्ट टिश्यू की। जब हीलिंग फास्ट हो जाएगी तो हार्ड टिश्यू भरता रहेगा। देखिए स्टिचेस हमने प्रॉपर तरीके से दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले और लोग हमारे क्लिनिक में विजिट कर सकें। तो इसके साथ मैं अपनी बातों पर विराम देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। नमस्कार।